नमस्कार, मनुदेल श्रेय क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की कल सेंस करती हैं कला में लोक देवताओं के बारे में पढ़ेंगे। फिर कल हम देखेंगे लोक देवियों के बारे में। तो सबसे प्रमुख नाम आता है गोगा जी का। गोगा जी का जन्म कब होता है? तो 1003 में हुआ था। चूरू जिले के ददेवरा नामक स्थान पे इनका जन्म हुआ था। ये कौन थे? चौहान राजपूत थे ये। पिता का नाम जेवर था, माता का नाम बाछले था। तो इनके पिता का नाम जेवर, माता का नाम बाछल था। गोगा जी को क्या कहा जाता है? जहर पीर के नाम से फेमस है। सांपों के देवता भी इन्हें कहा जाता है। गोगा जी की स्मृति में भाद्रपद कृष्णा नवमी को गोगा नवमी, जिसे हम गोगा नवमी कहते हैं, वो कब आती है? भाद्रपद कृष्णा नवमी को आती है। और कहाँ पे मेला भरता है? गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में इनका मेला भरता है। तो मेला इम्पोर्टेंट है। इनको सांपों का देवता भी कहा जाता है, जहर पीर के नाम से फेमस है। ये चौहान राजपूत थे। 1003 ईसा पूर्व में चूरू जिले के ददेवरा नामक स्थान पे इनका जन्म हुआ था। तो ददेवरा इनका प्रमुख स्थल है। एक गोगामेड़ी जहाँ पे मेला भरता है हनुमानगढ़, वो इनके क्या है? प्रमुख स्थल है। ये दोनों स्थल ध्यान में रखना है। क्वेश्चन आ सकता है कि गोगा जी के प्रमुख स्थल थे गोगामेड़ी हनुमानगढ़ और ददेवरा चूरू। गोगा जी की पूजा राजस्थान के अतिरिक्त कहाँ की जाती है? देखो, गुजरात में भी पूजते हैं, हरियाणा में, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में। गुजरात, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश में इनकी क्या होती है? पूजा की जाती है। नेक्स्ट आते हैं तेजा जी। जन्म इनका नागवंशीय जाट परिवार में हुआ था। कब हुआ था? 1074 में नागौर जिले के खड़नाल गांव में इनका जन्म होता है। 1074 में कहाँ हुआ? नागौर जिले के खड़नाल गांव में इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम ताहड़ जी व माता का नाम क्या था? राजकुंवर था। पिता का नाम ताहड़ जी, माता का नाम राजकुंवर था। गायों को मेर के मीणाओं से मुक्त कराने के प्रयास से ये क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे। सांपों के देवता के रूप में इनकी भी पूजा होती है तेजाजी की। तेजाजी के पुजारी घोड़ला, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तेजाजी के पुजारी क्या कहलाते हैं? तो घोड़ला कहलाते हैं। चबूतरों को, तेजाजी के जो चबूतरे होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो थान कहा जाता है। पुजारी को क्या कहते हैं? घोड़ला कहते हैं। चबूतरों को क्या कहा जाता है? थान कहा जाता है। ये इस बात में बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये ध्यान में रखना। नागौर जिले के परबतसर गांव में प्रतिवर्ष कहाँ पे बढ़ता है? नागौर जिले के गांव कौन सा है? परबतसर गांव में प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ला दशमी को पशु मेला इनका भरता है। कब भरता है? भाद्रपद शुक्ला दशमी को पशु मेला भरता है नागौर जिले के परबतसर गाँव में। अब देखो, नेक्स्ट आते हैं अपने पापूजी। पापूजी जन्म इनका होता है 1239 में। कहाँ पे हुआ? फलोदी जोधपुर में। तहसील है कोलू गांव। फलोदी जोधपुर तहसील के कोलू गांव में इनका जन्म हुआ था। मारवाड़ के क्या है? राठौड़ वंश से संबंधित रखते हैं। ऊँटों के देवता के रूप में इन्हें पूजा जाता है पापूजी को। राजस्थानी लोक साहित्य में पापूजी का लक्ष्मण जी का अवतार मानते हैं। तो कौन से ऐसे निम्नलिखित में से जो लोक देवता हैं जिनको लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है? तो कौन होंगे? पापू जी होंगे। पापू जी का प्रतीक चिन्ह है भाला लिए हुए अश्वारोही के रूप में इनका प्रतीक चिन्ह है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, बाबू जी किसके अवतार माने जाते हैं? लक्ष्मण जी के अवतार माने जाते हैं। और इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? भाला लिए हुए अश्वारोही के रूप में इनका प्रतीक चिन्ह है। पापू जी का प्रमुख उपासना स्थल कोलू फलोदी में है, जहाँ प्रतिवर्ष यहाँ पे मेला भरता है पापू जी का। नेक्स्ट आता है अपना क्वेश्चन रामदेव जी राजस्थान के प्रमुख लोक देवता हैं। जन्म इनका बाड़मेर जिले के उड़ू कासमेर गांव में हुआ था। पिता अजमल, माता मीणा देवी। समाज सुधारक होने व हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देने के कारण लोग इन्हें लोक देवता के रूप में कौन से लोक देवता के रूप में पूजते हैं? तो इन्हें लोक देवता के रूप में इनकी पूजा की जाती है, क्योंकि इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया था। पोकरण जैसलमेर के पास रुणेचा में इनकी समाधि है। तो इनकी समाधि के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो रामदेव जी हैं उनकी समाधि कहाँ पर बनी हुई है? अब क्लियर दिखेगा, अभी ठीक है, अब ठीक है। रामदेव जी राजस्थान के प्रमुख लोक देवता, जन्म इनका कहाँ पे होता है? तो इनका जन्म होता है बाड़मेर जिले के उड़कासमेर गांव में। माता का नाम मीणा देवी है, पिता का नाम अजमल है। समाज सुधारक होने पर हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देने के कारण लोग इन्हें लोक देवता के रूप में पूजते हैं। पोकरण जैसलमेर के पास रुणेचा में इनकी समाधि बनी हुई है, जहाँ प्रतिवर्ष
भाद्रपद शुक्लादित्य को एकादशी तक मेला भरता है। देखो लंबा मेला भरता है, भाद्रपद शुक्लादित्य को एकादशी तक इनका मेला भरता है पोकरण जैसलमेर में। उरुणेचौ को आज रामदेवरा के नाम से जाना जाता है, सांप्रदायिक सद्भावना के लिए जाने जाता है। तो रुणेचा कौन सा क्षेत्र है जो सांप्रदायिक सद्भावना के लिए जाना जाता है? तो रुणेचा को जाना जाता है। रामदेव जी को हिंदू कृष्ण के अवतार के रूप में और मुसलमान किसके रूप में पूजते हैं? राम सापीर के नाम से पूजते हैं। तो दोनों पूजते हैं, हिंदू भी पूजते हैं। हिंदू किसका अवतार मानते हैं? कृष्ण का अवतार मानते हैं। और मुसलमान इनको क्या कहते हैं? राम सापीर के रूप में पूजते हैं। रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह चरण इनके पगली हैं। रामदेव जी ने मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा व जाति प्रथा का विरोध किया है। देखो जिनका विरोध किया है उन्हीं पे आजकल लोग करते हैं, तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, इनकी मूर्ति की पूजा करते हैं। जाति प्रथा का विरोध किया इन्होंने, तो मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा व जाति प्रथा का इन्होंने विरोध किया था। रामदेव जी का मेला प्रमुख नृत्य है तेरा ताली नृत्य, जो कामड़ जाति के लोगों के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि तेरा ताली नृत्य कौन से मेले में किया जाता है? तो रामदेव जी का मेला है उसमें किया जाता है, पोकरण जैसलमेर में जो बढ़ता है। कौन करते हैं? कामड़ जाति के लोग करते हैं तेरा ताली नृत्य। नेक्स्ट नाम आता है बाबा तल्लीनाथ। तल्लीनाथ जी के बचपन का नाम राठौड़ नागदेव, पिता का नाम वीरमदेव था। तल्लीनाथ जी के बचपन का नाम इसमें लिखा नहीं है मैंने, तल्लीनाथ जी का बचपन का नाम राठौड़ गागदेव। अच्छा इनके पिता का नाम लिखा ना मैंने, बचपन का नाम क्या था? गागदेव थे ये, राठौड़ थे, पिता का नाम वीरमदेव था। इनके गुरु का नाम जलंधर नाथ था। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, तल्लीनाथ के गुरु का नाम क्या था? तो जलंधर नाथ था। उन्होंने ही इनका नाम क्या दिया? तल्लीनाथ दिया। तब इसका नाम क्या है? पहले क्या था? गागदेव था। फिर उनके जो गुरु हुए जलंधर नाथ, उन्होंने इनको क्या नाम दिया? तल्लीनाथ नाम दिया है। स्वभाव से प्रकृति प्रेमी है तथा रण कौशल में निपुण होने के कारण शेरगढ़ जोधपुर ठिकाने का इन्होंने शासन किया था। राज्य का शासन अपने पुत्र को सौंप कर बाद में इन्होंने क्या कर लिया था? संन्यास को ग्रहण कर लिया था। तल्लीनाथ ने सदैव पेड़ पौधों की रक्षा व सर्वधन पर बल दिया, इसलिए तल्लीनाथ पूजा स्थल क्या है? पंचमुखी पहाड़ है। और पंचमुखी पहाड़ पे कोई भी पेड़ पौधे हैं वो उनको नहीं काटते हैं। तो कौन से हैं जो पेड़ प्रकृति पूजा करते थे? तो तल्लीनाथ है। तल्लीनाथ के गुरु का नाम क्या था? जलंधर नाथ है। और इन्हीं को तल्लीनाथ नाम दिया था। पहले इनका नाम था गांगदेव, पिता का नाम वीरमदेव था। ये इनको इन्होंने जोधपुर ठिकाने से ये शासन करते थे, लेकिन उन्होंने संन्यास धारण किया और अपने पुत्र को सौंप के ये चले गए थे, संन्यास ग्रहण कर लिया था तल्लीनाथ ने। नेक्स्ट अपने आते हैं वीर कल्ला जी। वीर कल्ला जी राठौड़ का जन्म कहाँ हुआ था? मेड़ता में हुआ था। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको। वीर कल्ला जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो वीर कल्ला जी का जन्म राठौड़ का जन्म मेवाड़ मेड़ता में हुआ था। पिता का नाम था आस सिंह। भक्तिमती मीराबाई इनकी बुआ थी। कल्ला जी की ख्याति चार हाथों वाले देवता के रूप में होती है। इस पराक्रमी योद्धा को योग अभ्यास यानी कि ये योगमिक के ज्ञाता थे व चढ़ी पूटियों का इनको पर्याप्त ज्ञान था। मीराबाई क्या थी? इनकी बुआ थी। कल्ला जी की ख्याति चार हाथों के देवता के रूप में पूजी जाती है। योग का ज्ञान था इन्हें, जड़ी बूटियों का पर्याप्त ज्ञान था। जन्म कहाँ हुआ था? मेड़ता में हुआ था। इनके पिता का नाम आस सिंह था। नेक्स्ट आते हैं देव बाबा। देव बाबा का मंदिर भरतपुर जिले के नगला जहाज नामक गांव में है। देखो गांव का नाम क्या? नगला जहाज। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि नगला जहाज नामक गांव में किसका मंदिर बना हुआ है? तो देव बाबा का मंदिर बना हुआ है। देव बाबा का मंदिर कहाँ बना हुआ है? नगला जहाज नामक गांव में बना हुआ है। आपको धार्मिक विचारों का प्रचार प्रसार करते समय पशु चिकित्सा का ज्ञान प्राप्त हुआ था। आप गुज्जर के पालनहार एवं कष्ट निवारक के रूप में लोकप्रिय हुए थे। तो गुज्जरों के पालनहार और कष्ट निवारक के रूप में कौन से लोकप्रिय हुए थे? तो उनका नाम है देव बाबा। इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि नगला जहाज नामक गाँव में किनका मंदिर है? तो देव बाबा का मंदिर है। नेक्स्ट आते हैं हड़बूजी। वीर योगी हड़बूजी मुंडेल नागौर के महाराजा सांकला के पुत्र और बाबा रामदेव के मौसेरे भाई थे। हड़बूजी योगी सन्यासी
और वीर योद्धा थे। हड़बू जी क्या थे? हड़बू जी योगी, सन्यासी और वीर योद्धा थे। हड़बू जी का प्रमुख स्थान बगेटी गांव बलोदी में है। हड़बू जी के पुजारी सांखला राजपूत होते हैं। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि हड़बू जी के पुजारी कौन होते हैं, तो सांखला राजपूत होते हैं तथा इनके मंदिर में श्रद्धालु भक्त हड़बू जी की गाड़ी की पूजा करते हैं। हड़बू जी की गाड़ी की पूजा की जाती है, ये बात ध्यान में रखना। झुंझार जी, झुंझार जी का जन्म सीकर जिले के इमलोहा गाँव के एक राजपूत परिवार में हुआ था। गाँव का नाम क्या है? इमलोहा गाँव है। सीकर जिले के स्यालोदड़ा गाँव में प्रतिवर्ष रामनवमी को मेला भरता है। झुंझार जी का स्थान प्राय खेजड़ी के पेड़ के नीचे होता है। ये पूछा जाता है कि खेजड़ी के पेड़ के नीचे किनका स्थान है? झुंझार जी का स्थान है। भूरिया बाबा गौतमेश्वर, भूरिया बाबा सूर्य के प्रतीक है। मीणा जाति ने इष्ट देव के रूप में मानती है। मीणा जाति के लोग गौतमेश्वर की झूठी कसम नहीं खाते हैं। अगर मीणा जाति को गौतमेश्वर कोई काम करवाना है तो गौतमेश्वर जी की कसम खिला लेना, वो कभी झूठी कसम नहीं खाते हैं। भूरिया बाबा गौतमेश्वर कहते हैं। बिगाजी का जन्म बीकानेर में एक जाट परिवार में हुआ था। बिगाजी ने मुस्लिम लुटेरों से गायें छुड़ाते हुए अपना बलिदान दे दिया था। राजस्थान में जाखड़ समाज बिगाजी को अपना कुल देवता मानता है। तो बिगाजी को कुल देवता कौन मानता है? जाखड़ समाज मानता है। नेक्स्ट आता है मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी का जन्म मारवाड़ में हुआ था। मल्लीनाथ जी ने 1778 में मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को पराजित किया था। तो निजामुद्दीन की सेना को किसने, कौन से लोक देवता ने पराजित किया था? तो मल्लीनाथ जी ने पराजित किया था। जन्म कहाँ हुआ था? मारवाड़ में हुआ था। निर्गुण निराकाश ईश्वर में विश्वास रखने वाले मल्लीनाथ जी की याद में तिलवाड़ा बाड़मेर में क्या बना हुआ है? पशु मेला भरता है तिलवाड़ा बाड़मेर में। तो किसकी याद में तिलवाड़ा बाड़मेर में पशु मेला भरता है? तो मल्लीनाथ जी के याद में। मल्लीनाथ जी का जन्म कहाँ हुआ? मारवाड़ में हुआ था। फिर कुछ इंपॉर्टेंट लोक देवियाँ वो पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।